नमस्कार सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं साक्षी सोनी। कल जो हिसार के अंदर घटना हुई वो सभी ने देखी। एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है हिसार के अंदर 500 बेड का उद्घाटन करने के लिए आए, तो वहीं दूसरी तरफ किसान उनके विरोध के अंदर आ खड़े हुए और दोनों के बीच के अंदर जो है मारपीट का मामला हर जगह हर अखबार की सुर्खियों के अंदर है। इसी को लेकर के आज हिसार के अंदर 15 संगठन किसानों के विरोध में आ चुके हैं। उनका क्या कहना है अभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ले जाकर दिखाते हैं कि आखिरकार क्यों वो किसानों के विरोध के अंदर खड़े हुए हैं। चलिए हमारे लोग कृषि विभाग हो सके आज जिस परिवार से कोई सदस्य जाता है उस परिवार को क्या गलती है ये वही जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग शरारती तत्व इसका विरोध करते हैं तो इससे सामाजिक ताना बाना बड़े खतरे में आ जाता है। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि हम भी किसान हैं लेकिन हमने समाज विरोधी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सरकार से अगर लड़ाई है तो वो लड़ाई समय पर करनी चाहिए। आज देश कोरोना से लड़ रहा है, कोरोना से जूझ रहा है, तो हमने आज सभी ने मिल करके इस सरकार का और सभी मानवता का साथ देना चाहिए ताकि हमारा प्रत्येक जन सुरक्षित रहे। धन्यवाद। जय हिंद। पीछे पीछे वर्मा जी विजेंद्र सिंह विश्व वर्मा पांचाल शिक्षा समिति हिसार। रामचरण सुथार उप प्रधान जांगड़ा जिला सभा हिसार। अंबिका प्रसाद ट्रस्टी एवं सदस्य रामदेव चैरिटेबल ट्रस्ट एवं सभा हिसार। सभी के भी आपके जो है कोई एक ही व्यक्ति सारी जो बातें रखते अलग अलग लाल लंबा लग गया एक व्यक्ति। आज आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि हमारी सुबह मीटिंग हुई थी इसी छात्रावास में और कल का जो एपिसोड हुआ हिसार में सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने उस पर चर्चा की और ये महसूस किया सामाजिक संगठनों ने कि आज के टाइम जो सरकार जन जन की सुविधा के लिए चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जो प्रयास कम या ज़्यादा सरकार कर रही है उसका सभी लोगों ने सभी संस्थाओं ने सभी व्यक्तियों ने सहयोग करना चाहिए ताकि हम इस कोरोना महामारी का मुकाबला कर सकें और इन जन जन की जो चिकित्सा सुविधा के लिए जो कल कोविड हॉस्पिटल का जो उद्घाटन किया था ये किसी बीजेपी ने नहीं किया, ये हरियाणा सरकार ने किया है और ये हमारे लोगों तक ये सुविधा पहुंचाना सरकार की जिम्मेवारी है। अगर हमारे लोग हमारे समाज के लोग चाहे तो कृषक वर्ग है चाहे वो अपने आप को मजदूर वर्ग कहलाता है, नाम मजदूरों का लेता है, मजदूर उसमें कोई नहीं है, सारे धनाढ्य लोगों के बिगड़े हुए लड़के हैं ये, 50-50, 60-60 लाख की गाड़ियों में घूमते हैं और सरकार का ये जा विरोध करते हैं। हम इसको उचित नहीं मानते। हमारे संगठनों ने इसकी घोर निंदा की। इन लोगों ने पहले भी क्योंकि हम बहुत भोगी हैं दो संस्थाएं तो खास करके संत कबीर छात्रावास ये और सरसा बाईपास में जो गुरु रविदास महासभा है वो कि जब भी हमारे संत महापुरुषों की महान व्यक्तियों की जब हम जयंतियां मनाते हैं उन जयंतियों में भी बाधा पहुंचाने के लिए काले झंडे दिखाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए बीच में, परंतु हमारा समाज भी इतना कमज़ोर नहीं था इसलिए इन लोगों को संदेशा दिया कि हमारे इन प्रोग्रामों में अगर सरकार के प्रतिनिधियों का आपने विरोध किया तो ये उचित नहीं होगा। और अब क्योंकि ये महामारी का मुकाबला करने के लिए सारी सरकार एक तरफ झुकी हुई है, सारे अपने प्रोग्रेस के काम उसने रोक रखे हैं, डेवलपमेंट के काम रोक रखे हैं और जन जन तक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ये कहीं कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, कहीं आइसोलेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, कहीं दवाइयाँ पहुँचाई जा रही हैं और ऐसे में फिर इन लोगों का जाकर के विरोध करना, इनकी गाड़ियाँ फूंकना, ये हम इसको उचित नहीं मानते। और इसमें ये खास करके जो नाम लेते हैं किसान और मजदूर वर्ग का, इन लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर विरोध करना है तो आपको प्रदर्शन के लिए धरना स्थल दिया हुआ है, आप प्रदर्शन करो, धरना दो, कौन रोकता है। अगर बीजेपी की कोई रैली होती है आप उसका विरोध कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई वोट मांगने आता है आपने उससे विरोध कर लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये जो जन जन की सुविधाएँ हैं, मान लो जैसे आज गर्मी का मौसम आया हुआ है
प्रकोप चला हुआ है, इधर कोरोना का प्रकोप चले, इधर पानी की कल ना कमी हो जाएगी, कल ना कहीं वाटर वर्क्स का उद्घाटन करना पड़ गया तो क्या सरकार के प्रतिनिधि नहीं आएंगे? क्या पानी सिर्फ सरकार सरकार के मंत्री और चीफ मिनिस्ट्री पानी पीता है? क्या आम आदमी पानी नहीं पिएगा? अगर उसका भी विरोध करेंगे तो हमारे संगठनों ने ये फैसला लिया है कि फिर हम सारे इकट्ठा होकर के इनका मुकाबला करेंगे और जहां ये सरकार का विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचेंगे वहां हमारे सारे संगठन शामिल होंगे और हम फिर इनका मुकाबला करेंगे। और सरकार को हम आश्वासन देना चाहते हैं कि सरकार अपना काम करिए, इस कोविड 19 के लड़ने के लिए जितनी भी जन सुविधा जन जन तक पहुँचाई जा सके पहुँचाइए, और हमारे संगठनों का अगर सरकार को सहयोग चाहिए तो हम खुले दिल से सरकार को आश्वासन देते हैं कि हमारे संगठन सारे के सारे इन मामलों में सरकार के साथ हों। मैं विशेष तौर से ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में ये किसान आंदोलन अब किसान आंदोलन ना रह करके ये एक जाति विशेष का आंदोलन हो चुका है, और इनको समझना चाहिए इस बात का कि लोग ये सब समझते हैं और सारे समाजों से ये अलग थलग होते जा रहे हैं। अपने आप को यदि इन्हें मुख्य धारा में रखना है तो लोगों को उससे मिल के चलना चाहिए, उन लोगों को मतलब जो है ना सरकार का सहयोग करना चाहिए। सरकार अच्छे काम करती है, कोविड हॉस्पिटल 500 बेड का बन रहा है जिसमें लोगों की जानें बचेंगी और उसका विरोध करें, इतनी बुरी बात है, इतना निंदनीय बात है जिसके कोई हद नहीं, उसका भी विरोध करें, गलत बात है ये। हम इसका विशेष तौर से ये जो आंदोलन है बिल्कुल गलत दिशा में जा रहा है और इसका नजायज फायदा उठाया जा रहा है, दिशाहीन हो चुका है ये आंदोलन, बिल्कुल गलत है ये जो कर रहे हैं, ये समाज से भी अलग थलग होते जा रहे हैं। अभी आपने कहा कि अगर ये आगे प्रदर्शन करते हैं तो आप लोग भी जो है इनका मुकाबला करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ऐसे में जो टकराव की स्थिति बढ़ेगी इनको ये समझे तो ये सोचे, फिर ये इनको सोचना चाहिए, ये सोचे हम प्रजातांत्रिक सिस्टम से विरोध करेंगे, प्रजातांत्रिक सिस्टम से कोई आदि प्रजा नॉन प्रजातांत्रिक सिस्टम से चलेगा तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए विशेष तौर से धन्यवाद करते हैं कि इस माहौल में कैबिनेट कितना फैला हुआ है, 500 बेड का हॉस्पिटल उन्होंने हिसार में दिया है और वो कोई विशेष प्रोग्राम के लिए नहीं आए थे, वो हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आए थे जो कि जन सेवा के लिए है, लेकिन जिन लोगों ने इसका विरोध किया गलत ढंग से किया हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं, सारी संस्थाएँ पूरी, और हम पूरे प्रदेश में इस तरह का एक मिशन चलाएंगे कि जो प्रदेश के अंदर गलत ढंग से इस व्यवस्था को लोग अपनाए उनका विरोध करेंगे। हाँ, किसान है प्रजातांत्रिक व्यवस्था से वो इसका विरोध करें, हमें कोई उसका विरोध नहीं है प्रजातांत्रिक व्यवस्था से, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री इस ढंग से आता है विरोध करते हैं, उसका विरोध करते हैं। आज ये सभी इकट्ठे हुए हैं, नॉन पॉलिटिकल मंच पे इकट्ठे हुए हैं, सभी राजनीति से बाहर होकर के सामाजिक दायरे के अंदर आकर के हमने विचार विमर्श किया कि अब जो ये माहौल बनने जा रहा है ये ना तो सरकार के पक्ष में है, ना आम आदमी के पक्ष में है, ना सामाजिक ताने बाने के पक्ष में है। इस तरह का विरोध करना कि जब मानवता जीवन के लिए जो चीज़ तैयार की जा रही है, जिंदगी रहेगी तो सरकार भी रहेगी, या एजिटेशन भी चलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जहाँ जीवन की बात आती है तो वहाँ कोई राजनीति ना हो, किसी तरह का कोई विरोध ना हो। हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से जहाँ वो अपना एजेंडा चला रहे हैं वो चलाएं, हमें कोई इतराज नहीं। मैं भी किसान हूँ, 5 एकड़ का मालिक हूँ, मैं भी समझता हूँ सबकी तकलीफ को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप धरने की आड़ में, किसान की आड़ में अपनी मनमानी लोगों पे थोपें और एक भय का माहौल पैदा करें। ये झुंड इकट्ठा होके आना और अपनी सीमाएं लांघ जाना और फिर सरकार को झुकाने के लिए सारी कवायद करना, तो ये गलत है। हम लोग भी इसी शहर में रहते हैं, समाज में रहते हैं, हम भी देख रहे हैं कितने बच्चों को आज टाइम के ऊपर उनको दिल्ली जाने आने में कितनी असुविधा हो रही है, कितने लोगों के बिजनेस ख़त्म हो गए, दूसरे से ऊपर से कोविड महामारी का ये इतना चल रहा है, तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि इस तरह के उग्र आंदोलन ये एक जन आंदोलन बन जाएगा, कहीं ना कहीं दूसरा जो तबका है वो इनके विपक्ष खड़ा हो गया तो आंदोलन कहाँ टिकेगा, ये इनके पदाधिकारियों को विचार करना चाहिए। किसी भी आदमी का जो शांतिप्रिय रहना चाहता है उनका इम्तहान ना लें,
जिस तरीके का ये एजेंडा चला रहे हैं वो एजेंडा सब समझ चुके हैं कि किसान आंदोलन का एजेंडा ना होकर के इसके पीछे राजनीतिक हो चुका है ये और अपनी दिशा से भटक चुका है। तो मेरी तो इन किसान आंदोलन के सभी पदाधिकारियों से पुरजोर गुजारिश है कि ऐसा ना हो आज ये हिसार से मैसेज गया और हम इसको पूरा हरियाणा में और पूरे प्रदेश में लागू करें, उससे पहले वो अपने आप को सुधारें और एजेंडे के मुताबिक चलें, सरकार का विरोध करें, हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन आम जनजीवन को अगर वे अस्त व्यस्त करेंगे तो पब्लिक बिल्कुल तंग आ चुकी है और किसी न किसी दिन ऐसा ना हो कि दो पक्ष सामने और सामने खड़े हो जाएं। इसलिए मेरी आप मीडिया साथियों से भी गुजारिश है कि ये मैसेज उन पदाधिकारियों तक पहुंचाएं कि जहां मानवता की बात आती है वहां किसी तरह का विरोध नहीं होना चाहिए, जीवन रहेगा सब कुछ रहेगा। धन्यवाद। और एक बात मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री ने या नरमाई छोड़ के और मतलब अपना स्ट्रोंग मतलब बनना चाहिए, जितना स्ट्रोंग बनेगा तो उतना कामयाबी मिलेगी इस हरियाणा को, इतनी नरमाई मतलब कामयाबी नहीं होने देगी। और कोई साथी? आज ये जो किसान आंदोलन के नाम पर आंदोलन हो रहा है ये प्रत्येक सार्वजनिक स्थल को जाम कर देता है। क्या प्रत्येक सार्वजनिक स्थल, गली, मोहल्ला, रोड क्या उनकी बकौती है? क्या हम देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारा कहीं आने जाने का अधिकार नहीं है? तो ये जो सामाजिक ताना बाना कुछ लोग राजनीतिक फेवर में आकर के बिगाड़ रहे हैं ये बड़ा देश के लिए घातक है, देश को विकास की राह से भटका रहा है। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि हम भी किसान हैं, ऐसी बात नहीं, हम आपके साथी भाई हैं और हमारा जो भाईचारा, ग्रामीण भाईचारा, उसको आप बहुत तोड़ रहे हो। तो मैं अनुरोध करूँगा कि आपकी जो लड़ाई सरकार से है, या सरकार ने कोई कानून बनाया है लेकिन लागू तो नहीं किया अभी तक, तो आप सरकार से लड़िए, लेकिन आम जन से क्यों लड़ रहे हैं आप? आपने देखा है लोग कितने परेशान होते हैं, किसी ने मरघट में जाना पड़ता है, मुबान जाना पड़ता है तो कितनी परेशानियां होती हैं। आपने कह दिया रोड जाम, क्यों भाई? हम कांगे निवासी हैं, तो अगर आप संवैधानिक रूप से चलना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं, अगर आप संवैधानिक ताना बाने को तोड़ेंगे तो हम आपके विरुद्ध भी खड़े होंगे और इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। आप अपनी जो कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, आप अपनी लाठी को संभाले रखिए, आप हमें बराबर का भाईचारे का दर्जा दीजिए, व्यर्थ में ऐसे मत भटकाइए। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ, धन्यवाद। आप लोगों आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि ये जितनी संस्थाएं हैं, कोई भी कोई राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ आदमी, ये सारे के सारे सामाजिक संस्थाओं लोग जुड़े हुए, किसी का भाजपा, नेहलो, कांग्रेस, किसी से कोई भी वास्ता नहीं है, इन लोगों का अपना फैसला है, किसी राजनेता का इसके पीछे कोई हाथ नहीं है। किसी को पूछना हो तो जय मोहन जी।